नमस्कार, चार्वी कला टाइम टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिका। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने स्वारिया मामला, नेस ने किया चौथे गवाह। मानकपुर उड़ानपुल परिसर के लोगों का विरोध प्रदर्शन, लोगों ने रेल यातायात किया बंद। मानसे अध्यक्ष राज ठाकरे का बयान, मोदी के साथ चौहान का मंच साझा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 1993 के बाद हुए सभी कोल ब्लॉक आवंटन गैरकानूनी। ट्यूशन क्लास सहेलियों के साथ जा रही छात्रा प्रिया पर उसी के गांव के 18 वर्षीय हर्षल ने चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद प्रिया की मौत हो गई। आपको बता दें कि प्रिया का अंतिम संस्कार नागपुर के सिंगोरी में किया गया। ट्यूशन क्लास में सहेलियों के साथ जा रही 11वीं कक्षा की छात्रा प्रिया तुलसीराम को उसी के गांव के 18 वर्षीय हर्षल गुरडकर ने हथियार चाकू से पेट पर 3 वार करने से गंभीर घायल कर दिया। कामेठी स्थित अस्पताल में उपचार दरमियान शनिवार की रात 12 बजे उसने दम तोड़ दिया। हर्षल प्रिया को चाहता था। कई बार हर्षल ने प्रिया से ये बात जाहिर करने की कोशिश की, पर प्रिया द्वारा इनकार करने से हर्षल कई दिनों से आहत था। खून से प्रेम पत्र लिखकर साथ में चाकू लेकर बाइक से वह स्कूल के पास आया और प्रिया का पीछा कर हर्षल ने प्रिया को देना बैंक के सामने रोक दिया। प्रिया ने पत्र नहीं लिया, हर्षल का कहना भी नहीं सुना। इस बर्ताव से हर्षल को मानसिक आघात पहुंचा और उसने पास रखा हथियार चाकू निकालकर प्रिया पर 3 वार कर दिए। लौलुहान हालात में प्रिया गिर पड़ी। वही वहां मौजूद सभी छात्र घबरा गए। विद्यार्थियों ने प्रिया को उठाकर एक निजी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस भी वहां पहुंच गई। बाद में प्रिया को कमेठी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उपचार के दौरान शनिवार की मध्य रात्रि बाद उसने दम तोड़ दिया। नागपुर में पोस्टमार्टम पश्चात शव रविवार को दोपहर सिंगोरी लाया गया और वहां अंतिम संस्कार किया गया। यह घटना खापरखेड़ परिसर में चर्चा में रही। गुरुवार को घटना घटी। शुक्रवार को 2 बार विविध पक्षों द्वारा पुलिस थाने पर मोर्चा ले जाया गया। शनिवार को खापरखेड़ गांव की सारी दुकानें बंद रखी गयी। सभी राजनीतिक दल, व्यापारी संगठन, विद्यार्थी, शिक्षक, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, सामाजिक संगठन मिलकर भव्य मोर्चा पुलिस स्टेशन पर ले गए। आंदोलनकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर ज्ञापन दिया। आरोपी का कोई पता नहीं चलने से परिसर में संभावना जताई जा रही है कि संभवतः उसने भी आत्महत्या कर ली है। बहुत ही दुख की बात है कि यानी पुलिस स्टेशन के साइड में ही ऐसी घटना हुई और वो सिक्योरिटी वहाँ पर 3 जन क्या बोलते हैं, वो खाना खा रहे थे, वो नहीं दौड़े। और मेरा कहना है कि आजू बाजू में अपन 10 जन 20 जन उसके लड़के के पीछे दौड़े रहते तो उनकी हिम्मत नहीं होती। ऐसे कितने जन को मारे रहते उन्होंने, 1 को 2 को यानी। लेकिन आपने भी कुछ जिम्मेदारियाँ है थी कि अपने अपन ने भी कहा था ये दिखने तो भाग जाते यानी पुलिस से इतना डर रहा था उनको कि यानी नहीं हम इस क्लब में नहीं पढ़ना चाहते। तो लड़की उसके साथ में थी वो बेहोश हो गई वो लड़की। और पुलिस स्टेशन अपन पुलिस प्रशासन से तो मुझे बहुत ही यानी नाराजगी है कि उन्होंने 3 दिन 4 दिन अभी हो रहे हैं तो अभी तक उन्होंने यानी पकड़ में नहीं आई। कल मेरे साथ प्रियंका की सहेली मोनिका यहाँ मौजूद है। कक्षा जा रहे थे तो आगे से आया और प्रियंका को फोर्स करने लगा। फिर प्रियंका ने नहीं नहीं कहा तो वो अगले दिन और आया और फोर्स करने लगा। और एक्चुअली जब तक हम किसी को बताते तो तब तक उसने सब कुछ कर दिया। पुलिस स्टेशन भी पास नहीं था। एक्चुअली 15 पास नहीं था बट पुलिस ने कोई रिएक्शन नहीं लिया। और गार्ड भी वहाँ थे, ट्रैफिक पुलिस वहाँ थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। सब लोग तमाशा देख रहे हैं। हमारे स्कूल के दोनों स्कूल ने पुलिस को रिपोर्ट दिया पहले से, यहाँ तुम्हारी गश्त लगा, गश्त नहीं लगा। ये पुलिस की नाकामी है कि हर दम गश्त लगाते हैं। बोल रहे थे परसों भी हमारे स्कूल में आने के बाद मोदी के इंतजाम में थे, बोला मोदी का नाम काहे को बदनाम कर रहे हैं, तू वहाँ पर गश्त लगा दे, ये कहते तुम्हारे में नहीं होगा, तुम पुलिस के और इंतजाम बोलो। वारियर अपने बचाव में चौथा गवाह बुलाया है। इस गवाह ने मुंबई पुलिस को बताया कि 30 मई को वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट मैच के दौरान दोनों के बीच सब कुछ सामान्य था। वाडिया के चौथे गवाह निर्मिस महिंतुरा ने कहा कि उस रात दोनों सामान्य और अपनी टीम को चीयर करते दिखे। महिंतुरा उस रात स्टेडियम के उसी खंड में दूसरी पंक्ति में बैठे हुए थे जहां कथित घटना हुई थी। महिंतुरा ने उस घटना का जिक्र करते हुए कहा, यह बिना किसी हाथापाई या आक्रामकता के संकेत वाली एक सामान्य बातचीत थी।
और अपनी टीम का मनोबल बढ़ा रहे थे। बाद में महिंतुरा ने कहा कि उन्होंने वारिया को प्रीति के पास आते और उनके साथ बातचीत करते सुना, जो संभवतः एक मिनट से भी कम समय तक चली। वहीं उन्होंने कहा, उसके बाद मैंने नेस को गलियारों के पास से होकर आते देखा, जहाँ मैं एयर कंडीशन बॉक्स के पास बैठा हुआ था। बगैर सूचना दिए मानकपुर में दो एक्सप्रेस रेलों को रोक दिया गया, जिसके बाद प्रशासन हड़बड़ा गया। रेल प्रशासन व रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। बताते चले कि रविवार शाम को रेलवे गेट के पास यह घटना हुई। मानकपुर में दो एक्सप्रेस रेलों को रोक दिया गया, सूचना दिए बगैर किए गए प्रदर्शन से प्रशासन हड़बड़ा गया। लोगों की माने तो दिल्ली रेलवे लाइन व्यस्त है, दिन भर रेल का आना जाना लगा रहता है। दिन में 10 से 15 बार गेट बंद करना पड़ता है, इसके कारण गेट के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। कुराड़ी मार्ग पर वाहनों का आवागमन अधिक होता है, गेट बंद रहने से लोगों को काफी परेशानी होती है, विद्यार्थियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मध्य रेल ने 294 रेल गेटों पर उड़ान पुल बनाया है, उससे यात्रियों को सुविधा मिल रही है, लेकिन उड़ान पुल के नीचे की बस्तियों को परेशानी हो रही है। बस्ती के 3000 से अधिक लोगों को अन्य क्षेत्रों में आने जाने के लिए दिक्कतें होती हैं। अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए उड़ान पुल पार करना पड़ता है, इसके लिए 3 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। नागरिकों की मांग है कि उनके लिए एक मार्ग चालू कराएं, इसी मांग को लेकर रेल प्रशासन का विरोध किया गया। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नागपुर में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के मंच साझा नहीं करने के निर्णय को सही ठहराया है। राज के अनुसार किसी को बुलाकर अपमानित करना ठीक नहीं है। विधानसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में यहां आए श्री ठाकरे ने रवि भवन में कहा, लोकसभा व विधानसभा चुनाव की स्थितियों में अंतर है। भाजपा की जीत के लिए मोदी सोशल मीडिया व कांग्रेस के प्रति असंतोष परिणाम कारक रहा, 20 चुनाव में वह स्थिति नहीं है। मनसे ने राज्य की अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। महाराष्ट्र विकास के लिए मनसे की योजनाओं का ब्लूप्रिंट 7 से 8 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। विदर्भ विकास के लिए प्रयासों की आवश्यकता है, अलग राज्यों की मांग का समर्थन नहीं किया जा सकता है। राजनीति के लिए अलग राज्य की मांग की जा रही है, महाराष्ट्र का टुकड़ा किया जाना ठीक नहीं है। दल बदल पर कहा, चुनाव के समय आया राम गया राम की स्थिति बनती है, दल बदल करने वालों की निश्चित विचारधारा नहीं रहती है। नागपुर केलवत के समीप जातकर रोड पर शनिवार की रात हुई भीषण दुर्घटना से गोरेवाड़ का निवासी पुलिस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आपको बता दें कि इस दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से पूरा गांव सदमे में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम ऐतिहासिक आदेश के तहत वर्ष 1993 के बाद हुए देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित कोयला ब्लॉक के आवंटनों को गैर कानूनी करार दिया है। न्यायालय ने कहा है कि इन कोयला खदानों के आवंटन के फैसले में सभी 36 स्क्रीनिंग कमेटी ने पारदर्शिता नहीं बरती। कोर्ट ने इन आवंटन को रद्द नहीं किया है, इसके पीछे न्यायालय का तर्क रहा है कि अगर इन आवंटनों को तत्काल रद्द किया जाता है तो अर्थव्यवस्था पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। उधर अदालती फैसलों के बाद कोयले पर आधारित कंपनियों के शेयर गिर गए हैं। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि देश में बिजली और इस्पात के बेहतर उत्पादन और अर्थव्यवस्था की मजबूती के मकसद के लिए कोल ब्लॉकों का आवंटन निजी कंपनियों को किया गया, लेकिन यह कंपनियां इसके योग्य नहीं थी। कोर्ट ने आगे कहा कि वर्ष 1993 से 2009 के बीच हुए सभी आवंटन अवैध हैं, लेकिन इन्हें रद्द नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ेगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वह इस मसले पर विचार करेगी कि कैसे इन आवंटनों को रद्द किया जाए। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने लव जेहाद के मामले में हेमा मालिनी पर हमला किया है। अखिलेश ने कहा है कि उनकी फिल्म के गाने ही ऐसे हैं तो कैसे रुकेगा लव जेहाद। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। लव जेहाद के बारे में बीजेपी के यू टर्न के बाद एटा से बीजेपी सांसद राजवीर सिंह ने कहा कि हमने कोशिश की है कि किसी के साथ कोई जबरदस्ती न हो। बीजेपी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में लव जेहाद को लेकर आवाज उठाई है, लेकिन इस बारे में सबसे पहले आवाज दक्षिण से उठी थी। मशहूर शूटर तारा सहदेव की शादी भी रंजीत सिंह के नाम के युवक के साथ हुई थी, लेकिन तारा को बाद में पता चला कि रंजीत का असली नाम रकीबुल हसन था। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने लव जेहाद के मामले में हेमा मालिनी पर हमला किया है। अखिलेश ने कहा है कि उनकी फिल्म के गाने ही ऐसे हैं तो कैसे रुकेगा लव जेहाद। यूपी सीएम अखिलेश यादव ने सोमवार को बहराइच बलरामपुर सहित कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बात की और उन्हें हर तरह की संभव मदद देने का आश्वासन दिया।
यूपी सीएम अखिलेश यादव ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। इस दौरान ज्यादातर बाढ़ पीड़ितों की यही शिकायत उनके सामने रही कि राहत सामग्री न तो सही ढंग से बट रही है और न ही पर्याप्त मात्रा में मिल पा रही है। वहीं सीएम ने बाढ़ का ठिकरा भी केंद्र सरकार पर फोड़ा है और कहा है कि अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी नेपाल गए थे लेकिन उन्होंने वहां से पानी छोड़े जाने पर कोई बात नहीं की। केंद्र सरकार को ऐसी त्रासदी से निपटने के लिए नेपाल से बात करनी चाहिए। सोमवार को अखिलेश यादव ने पहले बहराइच का दौरा किया और लोगों से बाढ़ की समस्याओं का हाल लिया। साथ ही उन्होंने अपनी टीम के साथ राहत कार्यों का भी जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने केंद्र सरकार पर वार करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की तरह केंद्र को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। जनता ने उनको भरपूर वोट दिया है। अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने सवारिया मामला नेस ने किया चौथे गवाह। मानकपुर उड़ानपुल परिसर के लोगों का विरोध प्रदर्शन, लोगों ने रेल यातायात किया बंद। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे का बयान, मोदी के साथ चौहान का मंच साझा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 1993 के बाद हुए सभी कोल ब्लॉक आवंटन गैरकानूनी। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.